हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी माना जाता है। और छोटी दीपावली को हमें बहुत सारे काम अपने करने होते हैं, तो वो हमें करने चाहिए संध्या काल, प्रदोष काल में, यानी कि जो गोधूली वेला के बाद का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल मानते हैं। तो प्रदोष काल में आपको दीप दान करना चाहिए, बहुत सारे दीपक जगाने चाहिए। और ये दीपक जो हैं, इनमें कुछ दीपक ऐसे हों जिनमें लेटी हुई बत्ती का हम इस्तेमाल करें, रुई के बत्ती का इस्तेमाल इस दिन आप कर सकते हैं। और जो पिन वाली बत्ती है, जो हम हमेशा बताते रहे हैं, ऊर्ध्वगामी बीच वाली, बीच में जो लगाते हैं दीपक में, वो दिए अधिक रखें, उनको घर के अंदर रखें। घर का जो आपका कवर्ड एरिया है उसमें उन दीपकों को लगाने का प्रयास करें जो ऊर्ध्वगामी हैं। और जो जो कुछ दिए ऐसे हैं जिनमें आपने बत्ती लेटी हुई लगाई है, तो मिट्टी के दिए ले लें, उनको घर के बाहर लगाएं। वो पितरों के लिए विशेष रूप से होते हैं, चूँकि ये विधान ये था कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तो उसमें बहुत सारी जनधन हानि हुई थी उस संघर्ष में, उस लड़ाई में। तो उन पितरों की शांति के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, व्यक्ति, ऐसे आत्माएं भी मृत्यु को प्राप्त हुई थी जिनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। तो उन सबकी आत्मा की शांति के लिए, और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की कृपाओं के लिए भी हम, और जितनी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं, उल्का पिंड हैं, भूकंप है, बिजली गिरने से जिस तरह की डेथ हो जाती हैं, कोई करंट लगने से मर जाता है, कोई कैंसर से हमारे घर में अगर किसी प्रकार की मृत्यु हो गई है, अगर हमारे घर में भी कोरोना COVID-19 के चलते किसी आदमी की डेथ हो गई है, तो खास तौर से नरक चतुर्दशी को, यानी कि ये जो अपना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, उस दिन आप दीपक जगा सकते हैं। छोटी दीपावली को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, ये दोनों इस वर्ष एक ही दिन पड़ रही हैं, तो उसमें आप ये प्रयोग कर लें। एक चीज़ हमने आपसे जो बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, उनमें जैसे अभी कोड़ियों का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, कमल गट्टे का प्रयोग आप करेंगे यज्ञ में करेंगे, और कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करेंगे जाप के लिए, जो लक्ष्मी के जाप आपने करने हैं। अभी हमने कुछ अलग अलग वीडियोज़ इसलिए डाले हैं ताकि भी समझ सकें कि उन वीडियोज़ के माध्यम से, वो पाठ के वीडियो हैं एक्चुअली, तो उसमें हमने बोलने का प्रयास कम किया, उसमें डिस्कोर्सेज नहीं है, उसमें व्याख्याएं नहीं है, और सिर्फ आपको वो पार्ट इसलिए डाल दिया गया है कि उसको आप अगर डाउनलोड करके चलाना चाहें तो चला करके अपना काम कर सकते हैं। वेद के मंत्र का, शास्त्र के मंत्र का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना और गुनना, यानी कि उसको स्वीकार करना, समझना, बराबर का पुण्यदायी होता है, बराबर का फल प्रदान करता है। तो इस संशय में ना रहे, अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर पाए, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पुस्तक नहीं मिल पा रही हैं, तो आप उस मंत्र को जो हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं उनको चला सकते हैं। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें, जैसे श्री सूक्त का अभी हमने एक यज्ञ का विधान डाला है, उसमें जो हमने संपुट दिया है वो महालक्ष्मी नमः का संपुट दिया है, श्री महालक्ष्मी नमः। तो उसको कमल गट्टे की और घी की, घी वाली चम्मच में कमल गट्टे के दो दो बीज रखते जाएं और स्वाहा स्वाहा बोल करके उसको आप जगा चला सकते हैं, अपने आहुति में आहुति दे सकते हैं। वैदिक विधान पर हम अलग से एक अंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक यज्ञ जो लोग करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, उसमें भी हम कोशिश ये करेंगे कि व्याख्याएँ अनुष्ठान में ना डालें। इसलिए मैंने ये देखा है कि अनुष्ठान को देख कर शायद हमारे कुछ साथी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, उनको कम देखते हैं। वो अनुष्ठानों का जिक्र हमारे बहुत सारे डिस्कोर्सेज में है, जिनमें बताते हैं रेमेडीज के रूप में कि आप ये पाठ कर लीजिए, ये पाठ कर लीजिए, ये पाठ कर लीजिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वाला कर लीजिए। तो अगर वो प्रॉब्लम के लिए आप उस पाठ को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, हालांकि IT के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप उससे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर जब आप जा करके गूगल में URL आप पेस्ट करें, वहाँ पर आप लिखें आप कि www.google.com हो गया, उसमें जब फाइंड करते हैं, फाइंड में आप लिखें कि ऑनलाइन कन्वर्टर YouTube to MP3, ऑनलाइन कन्वर्टर YouTube to MP3। तो उससे हमारे लिंक को जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे, जहाँ से कॉपी लिंक होता है वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे उसको, उस लिंक को जब आप पेस्ट करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पेज में आपके पास एक विकल्प आएगा कि आप इस जो वीडियो है इसको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं इसको। आप जब MP3 में, MP3 फाइल होती है ऑडियो फाइल, MP4 फाइल होती है जो वीडियो फाइल होती है, तो MP3 फाइल में जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने मोबाइल में कहीं भी चला करके सुन सकते हैं, लगा करके रख सकते हैं, या आपके जाप की तरह काम करेगा। जो हमने श्री सूक्त का एक पाठ डाला है वो पाठ इसलिए है कि आप उसका जाप कर सकें या उसको चला सकें। अभी एक कोशिश और हम कर रहे हैं कि 108 16 मंत्र 108 बारी
यानी कि श्री सूक्त का पूरा पाठ लेकिन 108 बार, वो भी हम डाल दें छोटी फाइल बनाकर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, अपने किसी भी डिवाइस पर आप उसको ऑन करके लगा देंगे और आप सिर्फ बैठ जाएंगे और उसको साथ साथ आप उसके साथ बैठ करके माला जप लेंगे या भगवान की माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर लेंगे तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आपने दीपावली की रात में, बड़ी दिवाली की रात, छोटी दिवाली की रात, खासतौर से बड़ी दिवाली, जब इस बार बड़ी और छोटी एक साथ पड़ रही हैं इस वर्ष 2020 में, तो ये होगा 14 नवंबर की रात्रि में। तो 14 नवंबर की रात्रि को जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले वर्ष तक आते आते आपके घर में सुख समृद्धि धन संपदा का वास बढ़ने लगा है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी है। आप जितनी चीज़ें आप लेकर आए थे, आप शुक्रवार को एक उपाय और कर लेंगे, और ये किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, दीपावली पर कर लीजिए। दीपावली पर करेंगे तो इस बार शनिवार को होगा, क्योंकि छोटी बड़ी एक साथ पड़ रही हैं, और वैसे शुक्रवार को भी कर सकते हैं तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। दीपावली के पंच पर्वों में ही इसकी स्थापना का विधान होता है। इसके अलावा कभी भी करना चाहे तो किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं उन 10 अवतारों की किसी की जयंती पर कर सकते हैं, किसी भी महापुरुष की जयंती पर कर सकते हैं। आपसे हमने उसमें एक झाड़ू मंगवाई थी, जो फूल झाड़ू नहीं थी, सीख झाड़ू थी, जो ट्रेडिशनल झाड़ू होती है ना, सीख झाड़ू, तो इस तरह की झाड़ू होगी आपके पास, आप लेकर के आ गए होंगे। इस झाड़ू को एक तरफ से तो बंधी हुई आती ही है ये, इसमें एक तरफ आपने सफ़ेद कलावा बांधना है, सफ़ेद धागा बांधना है, आप देख लीजिए, एक तरफ इसमें सफ़ेद धागा बांधेंगे। ये तो इसका झाड़ू का बना बनाया आता है, प्लास्टिक से उन्होंने उसको पैक किया है, ये तो वो वाला धागा है, इसको आप रस्सी है या ये प्लास्टिक की एक उन्होंने इसमें ये डाली है। तो इसके अलावा एक तरफ सफ़ेद बांधेंगे और एक तरफ लाल बांधेंगे, इसके मूठ की तरफ सफ़ेद बांधेंगे और इसका जो सिरा है इस तरफ लाल कलावा बांधेंगे, और इसको अपने उस स्थान पर रखेंगे जहाँ आप पूजा करते हैं। इस झाड़ू को आप धनतेरस के दिन रख सकते हैं, छोटी दिवाली को रख सकते हैं, बड़ी दिवाली को रख सकते हैं, ये इन तीन दिनों में कभी भी रख सकते हैं। जो लोग इस समय नहीं कर रहे हैं वो इस झाड़ू के प्रयोग को किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। इस झाड़ू को दोनों तरफ से बांध करके पूजा घर में या किसी ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ आपका हाथ पैर बार बार ना लगता हो, किसी ऊँचे जगह पर भी रख सकते हैं, खड़ी नहीं करनी है, लिटा करके रख सकते हैं, अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं इसको, जहाँ बार बार आपका हाथ ना लगे। अगले वर्ष इन्हीं मुहूर्त में, इन्हीं पंच पर्वों के बीच आप इस पुरानी झाड़ू को जल प्रवाह कर देंगे या इसको आप किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जहाँ किसी का पैर नहीं लगता हो, और नई झाड़ू को अपने घर में प्रविष्ट करके ले आएंगे। लेकिन इस झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखने का प्रयास करें क्योंकि दूसरा व्यक्ति इसको प्रयोग ना करे। तो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि किसी बहते हुए जल में आप इसको तिरोहित कर दें, इसको जल में बहा दें, वो अच्छा माना गया है, वहाँ पर कर दें, या किसी ऐसे स्थान पर रख कर आएँ जहाँ से कोई इसको उठा करके प्रयोग में ना लाए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को आपके यहाँ से ऑब्जर्व भी करती है और बहुत सारी चीज़ों को आपके घर में बढ़ाती भी है, ये आप करके देखिएगा। कमलगट्टे की आहुति का मैंने आपको बताया कि आप दीपावली पर उसका हवन कर सकते हैं। हवन के मंत्र इसीलिए डाले हैं कि आप उसको लगा करके स्वाहा स्वाहा कर करके मंत्र कर सकते हैं। जाप का मंत्र है, उसमें आहुतियाँ नहीं दी जाएंगी, वो जाप आप करेंगे वो तो माला पर कर सकते हैं, या ऐसे बैठ करके आप एक षडयंत्र ले लें, जैसे मैंने बताया षडयंत्र आपके पास होगा ही, उसको अपने सम्मुख स्थापित कर देंगे लाल रंग के कपड़े पर या पीले रंग के कपड़े पर, उसके सामने आप बैठ जाएंगे पूर्वा या उत्तराभिमुख होकर के, यानी उत्तर या पूर्व की तरफ आपका फेस होना चाहिए जब आप बैठें पूजा घर में बैठें, तो उसके सम्मुख बैठ करके घी का दीपक आप प्रदीप्त कर देंगे। जो घी का दीपक आप लाए होंगे उस दीपक को आप प्रदीप्त करेंगे। जो आपने कोड़ियाँ ली हैं उनका प्रयोग आपको बता ही दिया है। जिन लोगों ने गोमती चक्र लिया है वो उसको श्रीयंत्र के पास में ही रख देंगे। जिन्होंने हत्ता जोड़ी ली है वो हत्ता जोड़ी को आप प्रयोग करेंगे, उसमें आप 9 लौंग और 3 पीस कपूर के रख करके हत्ता जोड़ी को सिंदूर में लपेट करके, सिंदूर डाल करके उस डिब्बी में, चांदी की डिब्बी में लाल रंग के कपड़े में बना करके उसको रख देंगे आप, तो वो आपके लिए एक अच्छा काम करेगी, ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो बड़े 2 दीपक बताए थे उनका विधान आपको बताया ही था कि एक लेफ्ट में रखना है एक राइट में रखना है, वो दीपक वाली जो शुरू की तैयारियों वाला वीडियो है उसमें उसकी व्याख्या हमने बताई है कि सरसों के तेल का आप घुसते हुए लेफ्ट में रखेंगे और गाय के घी का राइट में रखेंगे अपने घर में प्रविष्ट होते समय, यह आपने सब कर लिया है। मोमबत्तियों का प्रयोग ना के बराबर करें, इलेक्ट्रिक जो लाइटें हैं उनका इस्तेमाल करें, ठीक से करें। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है 0 वाट की एक लड़ी बनवा लें, 0 वाट के जो पहले बल्ब चलते थे एक होल्डर, जो उसमें होल्डर लगता है उस होल्डर की लड़ी बनवा लें, हर साल आपके काम आती रहेगी। ये जो यूज एंड थ्रो होती है ये बेकार है, प्लास्टिक को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर उसको, ठीक है हमने यूज एंड थ्रो तो किया पैसा तो कम लगा लेकिन अगले वर्ष के लिए हमने कचरा भी तो इकट्ठा कर दिया, फिर वो कूड़ा इकट्ठा होता चला जाता है, फिर उसको आप कहीं बाहर फेंकेंगे, फिर वो कहीं जलता है कहीं दबाते हैं, ये सब हम एक प्रॉब्लम को, हम जो हमारा पर्यावरण है उसको ख़राब करते हैं। तो कोशिश करें वो हर साल आपके काम आती रहेगी।
उस 0 वाट की लड़ी वाली जो झालर है वो आपके हर साल काम आती रहेगी। आप करें घी के दीपक जगाने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप क्या करें, आपको मैं दीपावली पर चूंकि कुछ विशेष मुहूर्त की व्याख्या व्यवस्था होती है, तो बड़ी दीपावली पर, छोटी बड़ी जो शनिवार को पड़ रही हैं, शनिवार की मध्य रात्रि में और उससे पहले के जो उस दिन के मुहूर्त हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ मुहूर्त आपके लिए नोट करके रखे हैं जो महालक्ष्मी पूजन के लिए हैं, दीपावली के शुभ शुभ काल के मुहूर्त हैं, जो 14 नवंबर शनिवार 2020 के लिए ही माने जाएंगे। इसमें जो चौघड़ियाँ मुहूर्त हैं, जो दिन की चौघड़ियाँ हैं, वो जो काल है वो 6:58 से 8:16 तक है। हम यह 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हम 6 से लेकर के 24 तक कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको वैसे ही मानकर चलेंगे। जो समय जब 13 बजेंगे तो दिन का 1 हो जाएगा। आप जानते ही हैं इस चीज़ को कि 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल के रूप में हम इन मुहूर्त को आपको बता रहे हैं। तो जो काल प्रारंभिक काल होता है, जो आपका ब्रह्म मुहूर्त के बाद 6:58 से 8:16 तक है, जिसको हम काल मुहूर्त मानते हैं। फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त है जो प्रातः 8:16 से 9:34 तक है। फिर इसमें एक रोग मुहूर्त है 9:34 से 10:52 तक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे घर में बहुत तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनके हाथ से अगर हम किसी प्रकार का पूजा पाठ या दीप प्रदीप्त करते हैं तो उन रोगों उन बीमारियों से उनकी मुक्ति होती है। ऐसे उद्वेग, ये अलग अलग दिन की चौघड़ियों के नाम होते हैं। उद्वेग काल है वो 10:52 से 12:11 तक है। चर है दोपहर में 12:11 से 13:30 तक। जो लाभ मुहूर्त है, ये लाभ मुहूर्त दोपहर में 13:30 से 14:48 तक है। अमृत मुहूर्त है 14:48 से 16:07 तक। अब ये समय जो ये जो समय आपका प्रदोष काल का है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने जो व्यापारिक स्थान हैं, जो दुकानें हैं, फैक्ट्री हैं, होटल हैं, वहाँ उस स्थान पर अपना दीपदान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर 16:07 से 17:26 तक काल चौघड़िया है, काल मुहूर्त है। रात्रि की चौघड़िया में संध्या काल के बाद की जो चौघड़ियाँ शुरू होती हैं उनका क्रम इस तरह से रहेगा। ये लाभ मुहूर्त जो होगा 17:26 से 19:07 तक लाभ मुहूर्त है। तो इस समय में ही, यानी कि 5:30 से लेकर के और 7 बजे तक, 7:10 के आसपास तक आप अगर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी वहाँ किसी प्रकार का आप दीप प्रदीप्त करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसके बाद उद्वेग मुहूर्त है रात्रि की चौघड़िया में, ये 20:48 से 22:30 तक होगा। फिर अमृत योग है 22:30 से 24:12 तक। फिर चर योग है 24:12 से 25:54 तक। भैया 25:54 जो हम बोल रहे हैं ये मध्य रात्रि में 1:54 हो गया है। फिर इसमें एक रोग मुहूर्त शुरू हो जाता है जो रात्रि में 25:54 से 27:35 तक होगा। और काल मुहूर्त है 27:35 से 29:17 तक। और लाभ मुहूर्त अगेन ये आपका सवेरे के समय प्रारंभ हो जाएगा, ये होगा 29:17 से 30:31 तक मान लीजिए। तो यहाँ जो हम ये 24 घंटे के बाद जो आगे बढ़े हैं, 6 घंटे आगे बढ़ गए हैं, ये घंटे हमारे 6 घंटे 7 घंटे ये हमारे अगले दिन में शामिल हो जाते हैं, यानी रात्रि के बाद सुबह के 7 बजे तक हम पहुँच गए हैं। तो ये मुहूर्त की श्रेणियाँ हैं, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और प्रदोष काल जो है वो आप संध्या काल में अपने अपने शहर के प्रदोष काल के हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो वृष लग्न है वो शाम को वो स्थिर लग्न माना जाता है, जो बहुत अच्छा है। ये शाम को 19:26 से ये स्थिर लग्न माना जाएगा, ये प्रदोष काल में वृष लग्न स्वाति नक्षत्र में ये रात्रि 20:09 तक रहेगा, यानी कि 7:30 से लेके और 8:15 तक, 8:10 तक रहेगा। और नक्षत्र जो है तुलास्थ चंद्र है तथा रात्रि में 19:07 तक लाभ की चौघड़िया है। तो 19:07 से पहले आपको जो भी श्री गणेश लक्ष्मी की पूजन है वो प्रारंभ कर लेनी चाहिए। और इसी काल में जो भी आप आश्रितों को, आपके नौकर हैं, चाकर हैं, किसी को मिठाइयाँ या कोशिश बांटना चाहते हैं तो वो आप बांट सकते हैं। इसमें प्रदोष काल के बाद, ये प्रदोष काल का वर्णन हुआ, इसके बाद निश्चित काल की जब हम गणना करते हैं तो निश्चित काल में जो शुभ चौघड़िया है वो लगभग 9 बजे से शुरू होकर रात में 10:30 तक रहेगी, शुभ चौघड़िया। अमृत चौघड़िया जो है वो 10:30 से लेकर के रात में 12:15 तक है।
और निश्चित काल में जो सारा समय लगभग 8:45 के बाद का सारा समय पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और निश्चित काल में ही अगर आप जो भी महालक्ष्मी का पूजन है, जो यज्ञ है, श्री सूक्त का पाठ है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ है, लक्ष्मी आदि मंत्रों के पाठ हैं, वो इसी काल में अगर आप करेंगे तो ये अच्छा होगा। यानी कि आप मान करके चलें कि 8:45 से लेकर के 12 बजे के बीच में इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा माना गया है सामान्य लोगों के लिए, सभी ग्रस्तों के लिए, सभी के लिए ये अच्छा रहेगा। इसके बाद महानिश्चित काल आता है। महानिश्चित काल ये विशेष रूप से जो तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम माना गया है, और जो लोग काली के उपासक हैं या जो महाकाल का विशेष रूप से अनुष्ठान करते हैं, विशेष रूप से पूजाएं करते हैं, या सामान्य जन भी जो किसी विशेष उद्देश्य के चलते, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपना कोई विशेष पाठ करना चाहते हैं, वो महानिश्चित काल का चरण ऐसे सभी व्यक्ति महानिश्चित काल का चयन अपनी पूजा प्रार्थना अनुष्ठान के लिए कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने प्रदोष काल में भी पूजा की हो, निश्चित काल में भी की हो और महानिश्चित काल में भी की हो। महानिश्चित काल रात्रि में 22:51 से शुरू होगा। महानिश्चित काल रात्रि में 22:51 से शुरू होगा और आधी रात 25:33 यानी कि आप मानकर चले 1:30 बजे तक, ये लगभग 10:51 मान लीजिए, 10:51 से शुरू होगा और फिर रात्रि में ही अर्धरात्रि में 1:33 तक महानिश्चित काल रहेगा। इस समयावधि में अमृत तथा चर की जो चौघड़ियाँ हैं वो बहुत उत्तम मानी गई हैं, जिनका वर्णन हमने पहले किया है। उसमें हम जो भी काली के विशेष उपासक हैं, तंत्र आदि क्रियाएँ करते हैं, विशेष काम्य के प्रयोग करते हैं, मूठ आदि को साधते हैं, या जो हमारी अष्ट सिद्धियाँ हैं उनके लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं, तंत्र अनुष्ठान की जितनी साधनाएँ, और जो भी हमारे गण और जो हमारी गणिकाएँ हैं और जो बहुत सारे यक्ष और रक्ष और भैरव हैं, उन सब की जो पूजाएँ हैं वो इस समय में प्रशस्त रहती हैं। और ये 24:03 से, यानी कि 12:03 से जो सिंह लग्न है वो विशेष प्रशस्त होगा। इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं, अपने स्थान का, अपने शहर का भी समय को आप एक बार देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उससे आपको और लाभ मिलेगा। जो मुहूर्त हैं, मुहूर्तों में बहुत सारी उलझन भी है। अगर हम मुहूर्त की व्याख्या में जाएंगे, मुहूर्त की गहराई में जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस समय क्या करें। मैं आपको सामान्य रूप से, साधारण रूप से तीन मुहूर्त बता रहा हूँ, जिन तीन मुहूर्त में लगभग सभी लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना कार्यस्थल पर पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो अपनी फैक्ट्री में दीपक जगाने चाहते हैं, जो अपनी दुकान पर पूजा करना चाहते हैं, जो अपने किसी भी स्थान पर पूजा करना चाहते हैं या अपने घर में भी पूजा करना चाहते हैं, उनको 14 नवंबर को संध्या काल 5 बजे, लगभग 5:30 बजे से 8 बजे तक पाठ कर लेना चाहिए, 8 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। इस अवधि में एक ये तो हुई बड़ी अवधि जो आप 5:30 से लेकर 8 बजे तक, वैसे टेक्निकली तो ये 5:26 से 8:08 तक है, लेकिन इसमें भी एक और विशेष प्रत्यंतर है, वो है 7:26 से और 8:07 तक। ये जो स्थिर लग्न है, तो ये इस लग्न में, ये जो स्थिर लग्न है इसमें आप करेंगे तो वृष लग्न है, ये और अच्छा रहेगा। और लाभ की चौघड़िया होने से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा और ये सारी चीज़ें इस समय में आप कर सकते हैं। ये प्रदोष काल का एक मुहूर्त हुआ। दूसरा काल आता है निश्चित काल। निश्चित काल में आप 20:08 से और लगभग 11 बजे तक, यानी कि 8:08 से लेकर के 11 बजे तक उस पाठ को कर सकते हैं। ये 8 बजे से 11 बजे का जो समय है रात्रि में, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का हवन कर सकते हैं, आप नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप इसमें लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, है ना, जो भी जितने बहुत तरह के पाठ हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो चीज़ें आप लाए हैं, सारी चीज़ों को अपने साथ सजा करके रख करके आप इस समय पाठ कर सकते हैं। कमल के फूल को माँ लक्ष्मी के सम्मुख अर्पित करके आप ये सारे पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन समृद्धि आएगी, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। और जो आपने नई करेंसी अरेंज करके रखी है उसको भी आप इस पाठ में ही शामिल करें और उसको भगवान के सम्मुख ही रखें, और इसको 9 दिन तक फिर आपने खर्च नहीं करना है। कोशिश करें कि इसको किसी बॉक्स में किसी जगह रख दें, 5 दिन तक तो पूजा घर में रखी रहे, धनतेरस को आप इसको रख देंगे, दिवाली के दिन इसकी विशेष पूजा होगी और भैया दोज के बाद इसको
से हटा लें और फिर उसको आप किसी अलमारी में लॉकर में रख दें और 9 दिन तक इसमें से कुछ भी खर्च ना करें। या आप देखिएगा कुछ ऐसे लोग, ऐसी माताएं, माताओं का हृदय अपनी बच्चियों में बसता है, बच्चों में बसता है, तो वो माताएं एक बहुत अच्छा उपयोग कर सकती हैं कि 10 के नोट की कुछ गड्डियाँ ले लें और वो फिर 10 के नोट की गड्डी 9 दिन के बाद आप जिसको भी देंगे उसके घर में धन की समृद्धि बढ़ेगी, उसके घर में बरकत बढ़ेगी, उसके घर में पैसा बढ़ेगा। बहुत अच्छा उपाय होता है, जब आप इसे करेंगे तब आपको समझ आएगा और ये आप अपने प्रियजनों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस समय कर लें। इसके बाद एक आता है, ये हमने प्रदोष काल बताया, निश्चित काल बताया, इसके बाद आता है महानिश्चित काल। अब महानिश्चित काल ये शुरू होगा, आप ऐसा मान लीजिए 11 बजे से, और 11 बजे से 1:30 बजे तक ये महानिश्चित काल है, जिसमें सारे वो लोग जो तंत्र के प्रयोग करते हैं, जिन्होंने तंत्रोक्त पाठ करने हैं, कोई ऐसी चीज़ करनी है, सिद्धि से संबंधित चीज़ करनी है, बहुत लंबे समय से कुछ उलझन चली आ रही है उससे छुटकारा पाना है, कोई नया काम बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए कुछ काम करना है, या हमारे बहुत सारे उपाय जो हम वर्ष भर बताते रहते हैं उनमें से किसी को करना है तो आप कर सकते हैं। और दीपावली पर, यानी कि ये चतुर्दशी जो आती है, नरक चौदस जिसको बोलते हैं, दीपावली जो छोटी बड़ी दोनों पड़ रही हैं, इस दिन आप जो सप्त धार होती है, 7 तरह के जो दीपक होते हैं उनको भी जगा सकते हैं, अपने पूजा घर में उनको रखना होता है, उसमें एक देसी घी का दिया होता है, जो गाय का घी, गौघृत देसी घी मतलब गाय का घी, और उसके बाद सरसों के तेल का होता है, बादाम के तेल का होता है, चमेली के तेल का होता है, अलसी के तेल का होता है। इन पंच दीपों के अलावा जो 2 तरह के द्रव्य आप अपने पूजा अनुष्ठान में और बढ़ाना चाहें तो वो है अलसी का तेल और इसके अलावा है तिल का तेल। ये 2 दीपक आप और जगा सकते हैं, लेकिन तिल के तेल का दीपक सामान्य दिनों में, सामान्य अवस्थाओं में नहीं जगाना चाहिए। तिल का तेल का दीपक अगर आप रेगुलर वे में कभी जगाना चाहें तो वो आप दक्षिण दिशा में रख करके जगा सकते हैं, लेकिन वो अलग तरह का एक विधान होता है और तिल का तेल हमारे रोगों को और उन चीज़ों को समाप्त करता है, लेकिन चूंकि वो जमता नहीं है तो बहुत से लोग सुविधा की वजह से उसको जगाना प्रारंभ कर देते हैं। तिल के तेल का दीपक नियमितता के साथ नहीं जगाना चाहिए, इन 5 दिनों में आप उसको जगा सकते हैं। और जो निरंतर सप्तपीठ की स्थापना करते हैं, सप्तदीप की स्थापना करते हैं, वो फिर निरंतर जगा सकते हैं, लेकिन वो साधकों के लिए है, सामान्य जनों के लिए नहीं है। ये आप कर लें। इनमें जो भी द्रव्य लें, जो भी चीज चुनें, सबको शुद्धतम स्वरूप में लें ना, अच्छे से अच्छा लें, कम लें, भले ही 20 ग्राम का दीपक जलाएं लेकिन शुद्ध होना चाहिए। वहां मात्रा उतनी मायने नहीं रखती जितनी शुद्धता मायने रखती है, मात्रा कम भी हो लेकिन शुद्ध होगी तो चलेगी। ये आप ध्यान कर लें, ये आप कर लें। और इसके अलावा ये महाकाली के जो उपासक हैं वो दीपावली की रात में महाकाली का प्रयोग कर सकते हैं। महाकाली के लिए हम आपको अलग से इसके बारे में एक छोटा सा विधान अलग से बना करके देंगे, जो महाकाली का प्रयोग करना चाहेंगे वो कैसे करें, उसका एक आपको छोटा सा यंत्र आप भोज पत्र पर बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे, उसमें नारियल के तेल का दीपक जगेगा, वो मैं आपको बताऊँगा एक अलग अंक में। और इसके साथ साथ हल्दी की गांठें भी रखें अपने पूजा घर में, हल्दी की गांठ भी रखें, और जो चीज़ जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन सबको रखें। इसके अलावा कुछ चीज़ जैसे खील है, कुछ और बताशे हैं, और बहुत सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भी आप रखें। वैवस्वत मन्वंतर में महर्षि पुलस्त्य हुए हैं, उनके पुत्र का नाम विश्रवण था। विश्रवण की 2 रानियाँ थी, कौशनी और इडविडा। कौशनी की जो संतानें थी वो थी सुपर्णखा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जबकि इडविडा की एकमात्र संतान कुबेर था। इस प्रकार रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। तो कुबेर जो हैं वो मिठाई को बहुत पसंद करते हैं, और कुबेर से संबंधित जो हमने प्रयोग आपको बताया था लक्ष्मी कुबेर का, वो कौड़ियों वाला, उसको आप कर सकते हैं, वो आप करेंगे ही दीपावली पर तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आप जो हैं कुबेर की भी पूजा इस दीपावली पर्व पर साथ साथ कर सकते हैं, तो ये अच्छा माना गया है। दीपावली पर आप अपने घर में रंगोलियाँ बना सकते हैं, हल्दी चंदन से बहुत तरह की सफाई, जो बहुत तरह के डिज़ाइन और चित्र हैं वो कर सकते हैं। आप जो हैं 9 के क्रम में जितने भी दीपक जगाएं 9 के क्रम में जगाएं। और कुछ लोग पुराने समय से इन दीप मालाओं के साथ, खास तौर से सरसों का जो कच्ची घानी का तेल आता है उस तेल पर काजल उकेरने का क्रम करते रहे हैं। बहुत से परिवारों में कच्चे दीपक पर काजल बनाने का एक विधान रहा है, तो उसको फिर गौ घृत में मिला करके उसको लगाने से वो भी अच्छा रहता है। जिन घरों में उसका विधान है उसको भी आप कर सकते हैं। कुबेर के लिए आप जो मंत्र पढ़ना चाहें वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ये मंत्र है ऐंग श्रीम ह्रीम टेम क्लिम्पम ओम यक्षाय कुबेराय, या कुंभ कुबेराय नमः, इसका पाठ आप कर सकते हैं।
इनका एक और आवाहन मंत्र है जिसको जो इस तरह से है कि आवयामि देवतम आगाच कृपाम कुरु कोशम वर्धमे नित्यम परिरक्ष सुरेश्वरः। प्रार्थना मंत्र के रूप में आता है कि धन दक्षाय देवाय नारायणोपविशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। तो ऐसी मान्यता है कि इससे कुबेर की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। और एक मंत्र और आता है, इस मंत्र का पाठ भी लक्ष्मी कुबेर की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कुबेर तम धनादिशम ग्रहेते कमला स्थिता तामम देवी प्रेष्याशु तम मोद ग्रहेते नमो नमः। इसका पाठ हम करें तो ये अच्छा माना गया है, ये हमारे लिए अच्छा रहता है। और जब आप जो बहुत सारे व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी तुला का यानी कि तराजू का भी बहुत पहले से पूजन करते रहे हैं और अपने गल्ले का या उसका पूजन करते हैं, तो वहाँ सिंदूर से स्वास्तिक बनाते समय हमें यह मंत्र पढ़ना चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानाम शक्ति तत्व सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगद्दात्री निमिता विश्व योनिना। और दीपावली पर जब आप दीप प्रदीप्त करते हैं तो दीपक जगाते समय यदि आप इस मंत्र का पाठ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। भव दीप तम ब्रह्म रूप अंधकार निवारका इमाम मया कृताम पूजाम गृह स्तेजसा प्रवर्धया ओम दीपेभ्यो नमः। इसके साथ आप पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारे पाठ हैं जो आप करना चाहें कर सकते हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ये सारे पाठ आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। बार दीपावली का दिन है, शनिवार के दिन 14 नवंबर को सभी को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और जो भी तेल आदि उपटन आदि का प्रयोग आप करते रहे हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन हमें सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करने से बहुत सारे पुण्य हमारे सृजित रहते हैं और हमें किसी प्रकार की हानि वर्ष भर नहीं देखनी पड़ती, हमारे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। और इससे एक दिन पहले यदि आप अपामार्ग, जो मैंने बताया जिसको पुटकंठा भी बोलते हैं और चिरचटा भी बोलते हैं, उसका प्रोक्षण करके यानी अपने शरीर से टच करके उसका उतारा होता है वो करके, और आप अपने शरीर पर से 3 बार उतार करके कहीं साइड में रख देते हैं, किसी घर के बाहर रख देते हैं, तो आप किसी भी तरह की दरिद्रता से बचे रहते हैं और सभी तरह के रोगों से भी आपकी रक्षा होती है। जो लोग अपामार्ग का विधि विधान से इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए वो दक्षिण की तरफ मुख करके इस मंत्र को उन्हें बोलना चाहिए। शीतालोष्ट समायुक्तम संकट कद लान्वितम हर पाप मपा मार्ग भ्रम्यमाण पुनः पुनः। और इसके बाद हम जो अंजलि अपनी बनाते हैं उस अंजलि में तिल डाल करके 3 अंजलि भगवान यमराज को हमें समर्पित करनी चाहिए। और इसको करने के बाद जब आप 3 अंजलि भर के यमराज को अर्पित कर रहे होंगे उस समय के मंत्र हैं ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम अमृतव्यये नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम व्यवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दघ्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके साथ आप 3 अंजलि भर के जल अर्पित करने से आपके स्वास्थ्य की, आपके आरोग्य की रक्षा होती है। त्रयोदशी के दिन संध्या काल में जो आप दीपक जगाते हैं तो उसको भी हमें भगवान का ध्यान करके ही जगाना चाहिए। और दीपक जलाने के कारणों में बहुत सारे कारण हैं, एक तो भगवान श्री राम से जुड़ा है जो मैंने आपको बताया, इसके साथ दीपक जगाने में जो भगवान वामन का एक वर्णन आता है और वो बलि के शरीर को जो नापा था भगवान वामन के अवतार में विष्णु जी ने, उसके लिए भी इसका एक विधान है। तो उस दिन हम दीपदान जब करते हैं तो उससे हमें अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और हमारे घर की जो लक्ष्मी है वो ऐसा माना गया है कि उस दिन हमारे घर में स्थिरता को उपलब्ध होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चतुर्दशी का एक महत्व इस वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि भगवान वामन अवतार का तो है ही ये वर्णन कि उन्होंने फिर बाद में कहा था कि जो भी इस दिन दीप जगाएगा उसके घर में सुख समृद्धि रहेगी और उसका जो भी अपार धन संपदा है वो क्षय नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और भी कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, उन्होंने नरकासुर का वध किया था, तो इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी हम इस वजह से बोलते हैं। और ये हमें नरक में जाने से,
अब देखिए नरक क्या है। अब नरक और स्वर्ग की व्याख्याएं जो आपने सुनी और पढ़ी हैं वो तो हैं ही, लेकिन मेरे देखे तो आपके जीवन में जो भी असहजता है, जो भी दुख है, जो भी संताप है, जो भी कलह है, कलेश है, दरिद्रता है, परेशानी है, चिंता है, भय है, जितनी भी एंजाइटी है, जो भी जीवन में बिखरा है, वो सब नरक का प्रतीक है। और जितना भी सुथरा है, जितना भी संभला हुआ है, जितना भी सिंचित है, जितना भी स्वस्थ है, जितना भी नियमित और नियंत्रित है, वो सब स्वर्ग का हेतु है। तो आप अगर ऐसे समझेंगे तो आपका जीवन और आसान हो जाएगा। तो उसको कहा गया नरक चतुर्दशी। इस दिन इन सारे उपायों को करने से आप नरक में जीवन को भोगने से बच जाते हैं। आपके जीवन में वो दुख, संकट, रोग, दरिद्रता, परेशानियाँ नहीं आती, जिनकी वजह से आपको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया या मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ। इस तरह के विचार से आप मुक्त होते हैं। तो अगर ये आप कर लें तो ये आपको वर्ष भर एक अच्छा लाभ आपको इससे प्राप्त होता है। ये दीप मालिकाएं आपके जीवन में सुमधुर हस्ताक्षरों को निर्मित करें। आपका जीवन ऐसे ही जगमग और आलोकित होता रहे जैसे कि हम दीपक जगमगाते हैं। और ऐसे ही अपदीपो भवा, जो बुद्ध का सूत्र था, अब अपने दीपक स्वयं बने। और जब दीपक आप स्वयं बनेंगे तो औरों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, औरों के लिए भी रोशनी का कारण बनेंगे, औरों के जीवन में रोशनी आप पैदा करेंगे। रोशनी सिर्फ प्रकाश भर नहीं है, रोशनी देखिए कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्योति की तरफ हमें ले चलो। ज्योति क्या है? जितना भी शुभ और अच्छा है सब ज्योति है, जितना भी हमारे जीवन में श्रेष्ठ और आनंददायक है वो सब ज्योतिर्मय है, वो सब ज्योति से ही जुड़ा है, प्रकाश से ही जुड़ा है। तो जब प्रकाश उदित होता है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो तमसो मा ज्योतिर्गमा अस्तो मा सद्गमया, जो भी जितने भी असत्य है, जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं, उससे हम सदमार्ग की तरफ चलें। और परमात्मा के मार्ग से अच्छा सदमार्ग क्या हो सकता है? तो अस्तो मा सद्गमया। और जब हमारा तमसोमा ज्योतिर्गमया पूरा हो जाता है, तो अस्तोमा सद्गमया पूरा होता है, उसके बाद जब दोनों पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो फिर हम मृत्यु को भी जीत लेते हैं और फिर हम अमृत को उपलब्ध होते हैं। अमृत क्या है? जो शाश्वत है, हमारे जीवन में श्रेष्ठता। हम काम ऐसा करें कि हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं, हम जीवन में अपने बात ऐसी करें कि लोगों के मन, मस्तिष्क और हृदय में हमेशा जीवंत रहें, यही तो अमृतत्व है। और अमृतत्व की कहानियाँ जो हमारे यहाँ प्रतीकात्मक ढंग से हैं वो तो हैं ही, लेकिन अमृतत्व यही है कि जो जिन लोगों के देखिए श्रेष्ठ कार्य रहे। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हमारे वेदों की रचना करके गए, हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की, हमारी संहिताओं की, हमारे दर्शन की, हमारे वैश्विक न्यासों की जो स्थापना करके गए, उनकी देशना ही तो सबसे बड़ा प्रकाश है, उनकी देशना ही तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा अमृत तो है, उसी से हमारा जीवन फल फूल रहा है और चल रहा है। और जिन धर्मों में इसकी व्यवस्थाएँ नहीं हैं वो धर्म कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, वो धर्म कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, उनके लिए मार्ग नहीं है, सदमार्ग के मार्ग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो आपके जीवन में सभी तरह का उजियारा बिखरे, आपके जीवन में प्रसन्नता का उजियारा बिखरे, आप खूब स्वस्थ रहें और खूब अच्छे से इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक आशीष, हार्दिक प्रेम, ओम स्वस्तिस्तु।